जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते संगत जी, नमस्ते गुरु जी। संगत जी, आज हम दिव्य आभा का पठन करेंगे। गुरु जी कृत देवालय, पेज नंबर 34 से 39। दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहाँ पर लोगों की आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती हैं और उनके हृदय वहाँ के सौंदर्य में डूब जाते हैं। वहाँ पर वायु स्वच्छ है, डूब हरी है, आंखें चमकते हुए श्वेत संगमरमर पवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात्कार करती है। लिंग संदेश देता है कि यह स्थान शिव का आसन है। गगन की ओर उभरता हुआ लिंग शिव धर्म, शिव भाव, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। प्रवेश करते ही ज्ञान एवं प्रतिभा से के धनी गणेश की लघु मूर्ति अंगुत का स्वागत करती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिवा की प्रतिमा स्थापित है। कर्पूर गौरम करुणावसारम कंसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम मृद्व्या रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उनके विशाल करुणा से पूरित सुंदर नयन खुले हुए हैं। मुख से अर्ध मुस्कान से आनंदित है और एक हस्त आशीष देने के लिए उठा हुआ है। अब वह अति विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके सिर के ऊपर शेषनाग की छत्र छाया है। अंदर मंदिर में पीतल निर्मित महेश्वर इसी मुद्रा में विराजमान है। उल्लेखनीय है कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अभी तपस्या समाप्त कर एक पैर नीचे कर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। मुख्य कक्ष में ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है। यह शिव और गुरु दोनों का ही है, का अपने उन भक्तों का आशीर्वाद का विनाशी वचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। असंभव लिंग निर्माण, यह गुण कथ्य है कि यह स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शिव शंकर महादेव का ही है। निर्माण काल के समय हुई विलक्षण घटनाओं ने निर्माण से संबंधित और वहाँ पर जो सदा जाते रहते हैं उन महानुभवों के अनुभवों को स्पष्ट हो जाता है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में अनेक बाधाएं आईं और प्रत्येक अवसर पर चमत्कारिक रूप से वह भी दूर हो गई। यह गुरु जी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व इस भूमि मंडल पर अनेक झाड़ियाँ, वृक्ष और विशाल शिलादंड, शिलाखंड और पत्थर से थे जिन्हें साफ करना और हटाना आवश्यक था। परंतु हर झाड़ी, हर पत्थर के पीछे सर्प था। एक तो हटाओ तो और प्रकट हो जाते थे। यह देखकर वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मी भाग गए। अडिंग निर्माणी आभारी रघुबीर नामक एक सिख भक्त, संयोग से उनकी दृष्टि अति क्षीण थी। गुरु जी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धाओं के लिए एक और प्रसंग ने कर्मी बुलाए, किंतु इतने सर्पों को देखकर वह भी भाग गए। अंततः रघुबीर ने गुरु जी को इस समस्या से अवगत कराया। गुरु जी ने मुस्कुराकर रघुबीर को निर्देश दिया कि वह और कर्मी क्रियाएं पर लाए और आश्वासन दिया कि यह समस्या पुनः नहीं लौटेगी। और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब कर्मी आए तो उस खंड में एक भी सर्प नहीं था। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ हुआ था। हर बार जब क्रिटिक डाला जाता था तो वर्षा रुक जाती थी। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को शीघ्र ही विश्वास हो गया था कि संयोग नहीं है। गुरु जी स्वयं कहा करते थे कि ये घटनाएं चयन से होती है, देव योग से नहीं। गुरु जी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद लिंग की आकृति में हुआ में होगा। यह तभी संभव था जब उसको ठोस आधार मिल जाता, परंतु गुरु जी इसके विरुद्ध थे। वास्तुविद का मानना था कि वह अव्यवहारिक है और उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। तथापि निर्माण गुरु जी के आदेशानुसार प्रारंभ हुआ। अब दिल्ली में एक राजगीर था जो यह कार्य करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढना सरल नहीं था। रघुबीर ने उसको कैसे खोज निकाला, यह स्वयं में ही एक सत्संग है। निर्माण करते हुए लिंग का निचला भाग बिना समस्या के बन गया, किंतु ऊपरी भाग में दरारें आ गईं। रघुबीर ने इस समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने ठेकेदार को पुनः निर्माण करने को कहा, किंतु फल वही रहा। अब समस्या निदान ही तो गुरु जी के समक्ष रखी गई तो उन्होंने उत्तर दिया कि उसको पुनः प्रयत्न करने को कहो, इस बार वे उसको उधार देंगे। फलस्वरूप कार्य तीसरे बार पुनः प्रारंभ किया गया और इस बार ऊपरी वृत्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दरारे और रुकावट के पूर्ण हो गया। गुरु जी द्वारा दिए गए आधार से दोष समाप्त हो पाया। इससे आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई और लिंग निर्माण संभव हुआ। यह वास्तव में अचरज की बात है कि गुरु जी की अलौकिक शक्ति
इस प्रकार से इस रचना को संभाले हुए हैं। निर्माण के समय शिवलिंग में हरके भार और हल्के रंग की टाइल लगाई गई थी। बाद में इसको काली ग्रेनाइट से अंतरित कर दिया गया। तत्पश्चात लिंग के माध्य से एक भारी भरकम फानूस चैंडलियर भी टांग दिया गया। इस प्रकार न केवल ये असंभव रचना हुई, इस पर वजन भी डाल दिया गया। यह गुरु जी की कृपा ही है, इसके कारण लिंग अपने स्थान पर है। इस विषय में भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी स्थिर है। चमत्कारिक भूमि मंदिर और उसके प्रवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था कि और अब भी है कि इस स्थान पर त्र्यंबकम की कृपा है। अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ से फूल पौधे और वृक्षों की विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में पड़े बिना नहीं रहते। एक महिला ने अपने कृषि भवन से खरीदे हुए फूलों के कुछ बीज जब यहाँ उगाने को डाले तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी कि उनका आकार उनके अपने उगाए हुए फूलों से दुगना था। एक बार गुरु जी से मंदिर में डूब पुनः बिछाने को कहा कि आज्ञा ली गई। उन्होंने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर के एक आयोजन का समय बहुत निकट था। देवालय के माली ने तो ये कार्य पूर्ण कर दिया था, पर डूब बिछाने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि निर्माण दो कारणों से अनुचित था। प्रथम, डूब को पूरी तरह से उगने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। दूसरा यह कि जिस प्रजाति की डूब लगाई गई थी वह पहली कटाई के पूर्व पैर पर चुभती है और उसके पश्चात ही मलमल की तरह नरम हो जाती है। समय के अभाव में यह दोनों प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में डूब की आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर सब विस्मित रह गए। डूब की पहली कटाई आयोजन से काफ़ी पूर्व कराई गई और उपज इतनी अधिक थी कि आयोजन से पूर्व एक और कटाई की आवश्यकता पड़ गई। आयोजन के समय पर प्रांगण में डूब की उत्कृष्टता देखकर अंग तुंग अप्रशंसा किए बिना नहीं रहे। इस प्रसंग को सुन और देखकर डूब में विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सर्वव्यापी गुरुजी, देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं जो दैविक अलौकिक शक्ति की ओर संकेत करती हैं। मंदिर में दर्शकों के अक्सर प्रांग में शिवजी की महिमा के भाव बदलते देखे हैं और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव महिमा पर एक स्थान पर रंग लगा देखा गया। यह सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरु जी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यात्मिका का वृतांत वर्णनीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातः कहा 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गई। उस पवित्र दिन केवल माली जी ने उनको वहाँ पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा, किंतु यह अर्थ सत्य है, किसी और ने भी उन्हें वहाँ देखा था। जब वह दर्शन गुरु जी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर स्टेट आई तो गुरु जी ने उसको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 बजे मंदिर आई थी और वह अपने ध्यान से उनको देख रहे थे। श्रद्धा का पूर्ण जागरण। स्पष्ट है कि यह बड़ा मंदिर गुरु कृपा से स्थापत्य का कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्त को सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। यह उनके अध्यात्म का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान। यहाँ पर ओंकार और ओम एक है और सदा एक दूसरे का प्रतिबिंब बने रहेंगे। यह मंदिर सृष्टि की रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा को सदा स्वागत करेगा। यहाँ पर समस्त आगंतुकों पर उनके आशीष की दृष्टि होती है और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थल में पहचानेगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्व में सद्भावना और शांति का युग शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनर्स्थान हुआ है। पूर्ण विश्व में सद्भावना और शांति का युग शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवजी का पुनर्स्थान हुआ है। इस आरोहण आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा कर रहा है। नियति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित रोग एवं अज्ञान से मुक्त होंगे, व्याप्त पापों से अबंधित और पराजित और नवीन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भयता की छोटी सी नौका, जिसकी पतवार मात्र सदगुरु के शब्द और कृपा है,
से सहजता से उत्पीड़ित के सागर को पार करने का सामर्थ्य मिलेगा। पार्थिकों की ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातना काल में देव स्थान से अंकित यह शब्द गुरु जी के परिश्रम से उनके हृदय और मन पर चिहित उनके हुंकार मित्र रक्षक प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा और भक्त सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप में ही संग्राम करती इस संस्कृति के योद्धाओं को यह शिवालय निवारण प्रदान करेगा। यह दिवालय से प्रतिपादित होती शिव जी की करुणा गुरु जी की करुणा सबका निदान करेगी। कालांतर में यह मंदिर उनका प्रतुभन प्रमाणित करेगा। वायुमंडल में उसके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर यह देवालय सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। सब आए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से मन में अंकित हो, सब मनों का अभिलाषाएं पूर्ण, सदगुरु रखे हमें सदा अपनी ही शरण में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शिशु गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आपने हमें ये बड़ा मंदिर, ये सौगात जो दी है, जो हमारे कष्टों दुखों का निवारण है, जो आपने ये हमें जाप बख्शा है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ये हम सब का मूल मंत्र, हमारे जीवन का सार है। लख लख शुक्राना महाराज, आपने हम सबको अपनी शरण में रखा। इसी तरह हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना महाराज। भूल चूक की माफ़ी मालिक, भूल चूक की माफ़ी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मालिक।